हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं भरूच के GNFC में आ चुका हूं, तो आप देख सकते हैं कैंटीन है, कैंटीन का खाना है 30 रुपीज़ का। एक कैंटीन के अंदर सब्सिडाइज खाना रहता है, सब्सिडी मिलती है। तो GNFC के अंदर खाना खाने के बाद मैं थोड़ा पार्क में रेस्ट करने लगा, देख सकते हो GNFC भरूच का है। तो पार्क में थोड़ा बैठ गया मैं, मेरे बाजू में देख सकते हैं बड़े हैं एक जन, और दूसरी साइड में आपको दिखाता हूँ शायद एक जन ये देखो रहे। तो पार्क में बैठने के बाद मेरे को फ़ोन आ गया, तो ऑफिस में जाना है अभी मिलने के लिए, तो मैं ऑफिस की तरफ अभी जा रहा हूँ। क्या जॉब देख के आया, तो ऑफिस में रिपोर्ट करना, मिल के जाना होता है। क्या स्टेटस है जॉब देखने के बाद, कुछ इस तरह दिखता है, आप देख सकते हैं प्लान GNFC भरूच का गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र। देख सकते हैं जिस तरह GNFC है जो भरूच में है, मेरे को क्या रजिस्टर पास जमा करना है, हेलमेट दिया, हेलमेट भी देना है, फिर उसके बाद में गाड़ी लेके बड़ौदा की तरफ निकलूँगा। गेट काफ़ी दूर है, पैदल पैदल ही जाना है वहाँ तक। यहाँ पे फर्टिलाइज़र मतलब खाद बनता है, अमोनिया का भी प्लांट है, गैसिफायर है। देख सकते हो काफ़ी धूप तेज़ है आज, तो मैं गेट पे जा रहा हूँ जहाँ से एंट्री किया था। यहाँ पे प्राइवेट ही सिक्योरिटी है, सीआईएसएफ नहीं है यहाँ पे। क्या IOCL में या कहीं पर भी कहीं भी सीआईएसएफ होता है, खतरा बीमारी ज़्यादा होती है, तो बता दूँ मैं गेट पे अभी आ चुका हूँ। यहाँ पे क्या वीडियो रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल रहता है, थोड़ा खुद से वीडियो ले लिया हूँ आप लोगों के लिए। देख सकते हो GNFC का भरूच का प्लांट है, धीरे धीरे गेट की तरफ आ चुका हूँ। गेट थोड़ा दूर है यहाँ से, गेट पे पहुँच के मैं बताता हूँ। लार्ज लोग खड़े हैं अभी गेट के नज़दीक ही हूँ। गेट पे पहुँच के क्या है, पहले विजिटर पास जमा करना होता है, फिर आपको PP जो दिया रहता है उसको जमा करने का, फिर आप जा सकते हैं।
काफ़ी साफ सुथरा यहाँ रहता है। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे ही गेट पास और सेफ्टी दोनों होता है। बगैर सेफ्टी ट्रेनिंग के आप जॉब नहीं कर सकते हो। अंदर में गेट पास बनता है, उसके बाद सेफ्टी ट्रेनिंग होती है, फिर आप अपने जॉब पे जॉब परमिट के साथ ही जाना पड़ता है। बगैर परमिट के आपको जॉब नहीं करने देते हैं। ये बिल्डिंग है तो मैं गेट पे आ चुका हूँ, अभी देख सकते हो ये रहा यूनिवर्सिटी का गेट। मैं विजिटर पास दे चुका हूँ जो कि कैमरा अलाउ नहीं है, ये रहा। तो मैं अभी बिल्डिंग के अंदर जा रहा हूँ, मेरे को हेलमेट लिया था तो हेलमेट जमा करने अंदर जा रहा हूँ, देख सकते हो ऑफिस में। तो मैं ये भाई से हेलमेट लिया था तो हेलमेट इनको दे दिया मैं। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाके मैं अभी जाऊँगा पार्किंग के पास जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी पार्क की हुई है। तो चलो चलते हैं पार्किंग के पास धीरे धीरे। लेफ्ट साइड में पूरा पार्किंग ही है, आपको दिखाता हूँ। मैं गेट के बाहर आ गया हूँ, गेट के बाहर ही पार्किंग है इनका। ये रहा पार्किंग, मेरी गाड़ी आपको दिखाता हूँ, मैंने कहीं पार्क किया हूँ। तो ये रही एक्टिवा मेरी। तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, गाड़ी ले लिया हूँ मैं। यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर है मेन रोड, एक GNFC का रोड है। चार रास्ता आता, चार रास्ता से आप अगर वोल्डा से आ रहे हो तो राइट साइड में, अभी मैं निकल चुका हूँ, देख सकते हो GNFC का रोड है जिस तरह दिखता है, देख सकते हो आप। अगर आप GNFC विजिट करते हो तो आपके लिए वीडियो देखना काफ़ी कारगर रहेगा। देखो मैं आ चुका हूँ मेन रोड पर, इधर राइट साइड की तरफ दहेज चला जाता है, सीधा निकल जाओगे आप चार रास्ते से तो भावी सिटी के अंदर एंट्री हो जाओगे, और लेफ्ट की तरफ आप निकलोगे तो आप जो हाईवे आता है मुंबई वाला वहाँ पे जाओगे। तो ये लेफ्ट की तरफ मैं निकलूँगा क्योंकि वहाँ से मेरे को इसको नर्मदा चौक भी बोलते हैं या GNFC बस स्टैंड भी है। अभी मेरे को यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूर है। लेफ्ट साइड में GNFC का बस स्टैंड है, यहाँ से आपको बड़ोड़ा के लिए यहाँ में जगह की बसें मिलेंगी। तो लेफ्ट साइड में ही है, लेफ्ट साइड में सीधा बड़ोड़ा, यहाँ से आपको 75 किलोमीटर है बस। हाँ सोच रहा हूँ थोड़ा प्यास लगेगी, दुकान पे मैं थोड़ा रुकूँगा, पानी पीऊँगा, उसके बाद ही मैं वहाँ से निकलूँगा। पानी लूँगा, खाने वाली चीज़ें तो खाऊँगा, पानी पीऊँगा, उसके बाद ही मैं निकलूँगा यहाँ से। बोला आंटी को पानी लेने के लिए, देख सकते हो कुछ इनका ये नर्मदा का इधर भी है गेट है, सामने भी गेट है, लेकिन पूरा मेन गेट उधर ही है जहाँ से हम निकले। पानी बॉटल है इनका, ये क्या है खेल का मैदान बनाया हुआ है, 10 बॉल बॉटल है जो, और देख सकते हो आप GNFC वालों का। अभी आंटी से पानी लिया मैं, बेबी मार पानी वानी पी लिया हूँ। यहाँ से मैं
लूँगा, देखूँगा करजन या तो पालेज कहीं एक जगह रुक के फिर चाय पीऊँगा, क्योंकि 75 किलोमीटर दूर है तो डायरेक्ट ड्राइव करना ठीक नहीं है, थोड़ा रुक रुक के ही जाऊँगा। तो अभी यहाँ से चलो निकलते हैं धीरे धीरे। ये फ्लाई ओवर है, इसको नर्मदा चौकड़ी बोलते हैं, या जी एन एफ सी जो सिस्टम है। तो चलो चलते हैं बड़ोड़ा की तरफ। आप ब्लॉक को पूरा देखने में मजा आएगा आपको देखने में। चलो चलते हैं पालक में जाके कोई चाय वगैरह को टोल प्लाजा आ चुका है। 2 किलोमीटर दूर टोल प्लाजा है, जो आते हुए आप अगर पिछला ब्लॉग देखा होगा जिसमें भी टोल प्लाजा पड़ा था, तो ये आपको लोगों के आसपास में दिखा है। तो मैं बाइक वाले लेन में आ चुका हूँ, यहाँ पर लेन अलग अलग होता है। देखो यहाँ नाइट में आप आ रहे हो, पर मैं सूरत से आ रहा था तो 2 घंटे का सफ़र मेरा 6 घंटे में हुआ था, काफ़ी ट्रैफिक था। जिसको नॉलेज होता है तो परवीन के पीछे से एक रोड गया, पुराना रोड है जो, वहाँ से डायरेक्ट कट मार के अंदर अंदर लोग निकल लेते हैं। तो देखो ये टोल नाका है, मैं चाय भी नहीं पिया अभी पालेज पहुँचने के बाद, तो रुकूंगा वहाँ 15 मिनट का रेस्ट लूँगा, उसके बाद ही बोलता के लिए निकलूँगा। आपको दिखा रहा हूँ
फल का फलों का बहुत शौक है यहाँ पे। यहाँ से देखो बड़ा 35 किलोमीटर है, कर्जन से वही पड़ता है 30 किलोमीटर, खालिश से 20 से 22 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ से 15 किलोमीटर और ड्राइव करूँगा, इसके बाद ही जाकर मैं दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कि मैं चाय के लिए एक टपरी खोज रहा था, तो देखो आंटी जी ये बना रही हैं चाय। मैं इनकी दुकान पे आके बैठ चुका हूँ, इनको बोल दिया हूँ कि एक चाय बनाने को, तो चाय बनाएंगी, मैं चाय पीऊँगा, उसके बाद ही यहाँ थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलूँगा। देख सकते हो किस तरह है, लॉन्ग ड्राइव पे जब भी जाइए तो आप चाय पीते रहिए, क्या नींद नहीं आती बाइक पे, आपको थकान थोड़ा कम महसूस होगा। जहाँ तक चाय बना रही थी तब तक मैं आप लोगों को इधर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो आंटी की चाय देख लो रेडी हो गई है, चाय लेके अभी आने ही वाली है, तो मेरी चाय रेडी हो चुकी है और मैं चाय का आनंद लेता हूँ अभी। तो मैं चाय पी के रेडी हो चुका हूँ, एक बार फिर 10 मिनट का मेरा रेस्ट हो गया है पूरा। अभी मैं फिर गाड़ी को करूँगा स्टार्ट और निकलूँगा फिर बड़ौदा के लिए। तो चलो चलते हैं बड़ौदा, गाड़ी मेरी निकल पड़ी है, आंटी को बोला बाय बाय, मोबाइल को रस्ते के अंदर और चलते हैं बड़ौदा। चलो अभी कोई स्टॉपेज नहीं होगा, अभी सीधा बड़ौदा जाते हैं। गाड़ी बहुत इतना धुआं ज़्यादा नहीं तो भी ऊपर डाइटर आने का अलग मज़ा है, पर ड्राइव करके जाने का कुछ अलग ही मज़ा है। आपको नज़ारे सब देखते जाते हैं जहाँ पहुँचे हैं आज को जहाँ थोड़ा आपके बड़ी गाड़ियों से मस्कर चलना पड़ता है, छोटी गाड़ी बाइक में भी उनसे भी मतलब मस्ती या मस्करी ना करेंगे, ऊपर ही देखेंगे। दोस्तों मैं सीधा सीधा आपको बोलूँगा बड़ौदा में घूमने निकल कर चुका हूँ, मैं आते हैं तो सामने देखता हूँ राइट साइड में सामने देखता हूँ, आपको शायद दिखता हो कचरे का पहाड़ है। आप कभी दिल्ली गए वहाँ पर भी दिखता है कचरे का पहाड़, बड़ौदा में भी देखा है कचरे का पहाड़। कचरा फेंकने के
गाड़ियाँ आती हैं कचरे के ढेर को, गाड़ियाँ यहाँ पर काफ़ी सारा ढेर हुआ पड़ा है। जिस भी वो क्या बोलते हैं छोटा छोटा जो जिस भी आता है उसको कचरे को इधर उधर फैलाते रहते हैं, कचरे का पहाड़ है, मतलब कचरे का ढेर है। इधर दिल्ली में तो मैं देखा हूँ कचरे का पहाड़ तो बहुत ज़्यादा, कचरा यहाँ ही जमा होता है पूरा गाड़ी को कचरा सारा कचरा। तो दोस्तों दिखाता हूँ आप लोग, ये देखो ये देखो ये देखो देखो गाड़ी का हाल देखो, इसमें बचा ही नहीं होगा कोई जिसे ठोका है इसके अंदर। ये बड़ा टेलर पे कुछ लोड हुआ है, बहुत बड़ा टेलर है और इसमें पूरा कार पीछे से अंदर घुस गई है, देख रहे हो इसमें कोई बचा ही नहीं होगा जिस तरह ठोका है। फ्लैट के पास अपने टावर टावर बी में है मेरा। चलो मैं आपको अपना फ्लैट दिखाता हूँ जहाँ पे रहता हूँ। देख सकते हो ये सब मीटर लगा हुआ है सामने, ये आप दादर से जाओ सीढ़ी से जाओ तो नीचे से जाना पड़ेगा जहाँ पे सीढ़ी दिख रही है। तो हेलमेट मैं अंदर रख रहा हूँ, हेलमेट रखने के बाद गाड़ी को करूँगा लॉक, उसके बाद लूँगा लिफ्ट। तो चलो चलते हैं लिफ्ट के पास। ग्राउंड फ्लोर पे ही खड़ा है लिफ्ट, तो चलो चलते हैं अंदर। सेकंड फ्लोर पे मेरा है तो मैं दोस्तों देखो लिफ्ट के अंदर आ चुका हूँ। तो मैं आ गया हूँ लिफ्ट के अंदर, है सेकंड फ्लोर पे है मेरा रूम। रूम पे मैं आ गया टू
सेकंड फ्लोर पे है मेरा रूम जी। दबा देता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे जाकर। या बंद मेरा कुछ है फ्लैट। आजू बाजू की ये देख सकते हो सोसाइटी जो बनी हुई है। सेकंड फ्लोर पे है, बाजू में सामने क्या है मेन रोड आता है। तो चलता हूँ रूम के अंदर और आराम करता हूँ। आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप मेरा ब्लॉग को ज़रूर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोगों को ब्लॉग देखोगे जरूर अपडेट करूँगा कहाँ पे जा रहा हूँ, कौन सा ब्लॉग आने वाला है। तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।